जो माफिया के कब्रिस्तान पर जाके फातिया पढ़ता हूँ, तो वो मठ मंदिर के बारे में क्या आप सब कहेगा। एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, इनके पिताजी थे तो गोली चलाए थे मंदिर के नाम पर, और एक विशेष वर्ग खुश हो जाए बेसोट, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने, और नतीजा कि 90% लोग भारत में भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, उसी का नतीजा है 2014 से लगातार समाजवादी पार्टी बाहर जा रही है, क्योंकि वो एक वोट को खुश रहे बाकी ना खुश कर रहे, ये बात इसका तो नहीं। बुलडोजर कानून व्यवस्था को लगातार माफियाओं को बचाने की उनकी गवादा है, माफिया के सहारे ही वो सत्ता में थे, माफिया ही उनके सत्ता के एक सीढ़ी थे, और माफियाओं की कमर तोड़ दिया माननीय योगी जी ने। हमारी सरकार की प्राथमिकता थी कि माफिया न हो, भयमुक्त वातावरण हो, जितने अपराधी हो जेल में चले जाएं। पहले कैसे है? आप देखो कि इनकी सरकार में सीईओ को बोनट पर रखकर एसपी ऑफिस में खींचते हुए ले जाते थे, मतलब पुलिस को, इनके समय में अपराधी पुलिस को दौड़ाती थी, और आज पुलिस अपराधी को पकड़ के जेल के सलाखों में डाल रही। तो अगर कोई भी अपराधी सरकारी जमीन कब्जा किया है, अपराधी गरीब की जमीन कब्जा किया है, तो खाली कराया जाएगा तो क्या जाके हाथ से खाली करा दें? नहीं तो आदेश है ना कोर्ट, कैसे कर भाई, बिना बिना एविडेंस के किसी का घर गिराया गया हो, बिना किसी किसी का खुद का निजी हो गिराया गया हो, तो उसके आवाज उठाए, माफियाओं के बचाव में आएंगे तो उसका जवाब 27 में जनता देगी। थैंक यू।